वेलकम इन दिस अमेजिंग सेशन। क्या हाल है प्राइवेट्स, हाउ आर यू ऑल? जल्दी से बता दो बच्चों, हाउ आर यू गाइस? आर यू ऑल रेडी टू रॉक इन दिस अमेजिंग सेशन? यस और नो प्राइवेट्स? दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ लड्डू सेशन। बहुत ही अमेजिंग सेशन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। एज यू ऑल नो, वी आर गोना डू द सेकेंड सेशन ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो ऑल ऑफ योर ICSE स्टूडेंट्स शुड बी हियर, राइट? सबको बता दिया था ना आप सभी ने, अपने सारे फ्रेंड्स को? एवरी वन इज रेडी टू बूम। यस, क्या बात है, अमेजिंग। यस ऑफकोर्स वी आर गोना हैव मेंटी। सारे बच्चों को बता दो, लेट एवरी फ्रेंड ऑफ योर नो दैट वी आर गोइंग टू प्ले मेंटी टूडे। वी आर गोइंग टू हैव अमेजिंग थिंग। पता है क्या करने वाले हम आज पता है हम करने क्या वाले हैं? टूडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग रियली स्पेशल। आज हम ICSE वर्सेस CBSE करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज हमारे पास मेंटी जी है बच्चों। वी आर गोइंग टू हैव अ मेंटी सेशन ऑन दिस चैप्टर। सो आज हम पहले पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को। हम सेलिना बुक फॉलो कर रहे हैं बच्चों फॉर ICSE, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और उसका आज हम एक्सरसाइज वन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, CBSE वाले बच्चे पहले ही कर चुके हैं और आज ICSE वाले भी बूम करेंगे। तो आज देखते हैं कि जीतने कौन वाला है, ठीक है? हाय लोन वॉरियर, हाय श्वेता, हाय आस्था, हाय सोनाली, हाय सौरभ, क्या हाल है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल, स्वैग से कर रहे हैं सबका स्वागत बच्चों, बिल्कुल। हाय शर्मा जी की बेटी, पहचान लिया यार। हाय तनुजा मेरी, ओके, क्या हाल है तनुजा? हाय यादव जी, यादव जी का OC रनिंग यार, नाइस। हाय लोन वॉरियर, हाय भूमिक, हाय प्रथम, हाय लकी, हाय राधिका, हाय माय जीनियस, क्या हाल है बच्चों? हाउ यू ऑल, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द सेशन? हाय सी एच हेमन, तुर्मिना, सोनाली, महकू, ओके, वी हैव महक ऑल्सो हियर, राधिका, निलावा, कोई बात नहीं निलावा, हाय उर्मिला, हे देशन, हाय भूमिक, हाय समायरा, क्या हो गया समायरा वाले अकाउंट को? हे देशन, विक्टर, उर्मिला इज हियर, रिया टेकिंग योर नेम, हाय राधिका। तो बच्चों बिल्कुल रेडी हो ना आज के सेशन में मचाने के लिए? आर यू ऑल रेडी? यस, हाय नंदिनी, चिंकू, आई लव मैथ्स, रन कर दो एक बार, हैशटैग OP दे दो और लाइक का सिलसिला भी आगे बढ़ा दो। एवरीवन कम ऑन, राइट डाउन आई लव मैथमेटिक्स एक बार। पता नहीं है आप लोगों को, मेरी ये ना हैप्पीनेस कैप्सूल बन चुकी है अभी। आई लव मैथ्स एंड #OP और एक बार लाइक का सिलसिला आगे बढ़ा दो। इफ यू हैवन सब्सक्राइब्ड अवर चैनल तो वो भी फटाफट से कर दो, कम ऑन एवरीवन। सो ग्रेट टू सी दैट आई लव मैथ्स। हे आर्यन, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। शेर की दहाड़, वेलकम टू द सेशन, क्या हाल है, हाउ यू ऑल, क्या हाल? मैम विनर्स बता दो। अच्छा ठीक है, मैं ना बता देती हूँ। तो बच्चों इन द आफ्टरनून सेशन उसमें हमारे कुछ विनर्स थे बच्चों, है ना? तो इन विनर्स का नाम बता दूं, आ जाओ आज की आफ्टरनून सेशन के विनर्स का नाम बता देती हूँ, ठीक है? चल पहले देख लेते हैं चैलेंज था क्या आज का आफ्टरनून में। द टाइम इट टेक्स यू टू गेट टू कैंप वेरीज इनवर्सली एज योर ड्राइविंग स्पीड। तो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप का क्वेश्चन था, है ना? कुछ है क्या इस क्वेश्चन में बच्चों? हे परवीर, ठीक है देखो यहां पर पता क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। तो यहां पर 20 miles 1.5 hours में पहुंच जाते हो बहुत ही गंदे वाले ट्रैफिक में। तो 20 into 1.5 will be okay. रेड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 20 into 1.5 विल बी इक्वल टू 50 miles इन वॉट आवर्स। तो मतलब x मान लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 20 into 1.5
अपॉन 50, तो ये हो गया 30 अपॉन 50, तो ये हो गया बच्चों 0.6, 0.6। अब चलते बच्चों आंसर्स पे आप लोगों के। लव यू टू नंदनी। ओके वी हैव 0.6 आवर्स, 36 मिनट्स वी हैव। ओके कृष्णा जी आपने सही दिया है आंसर, सुप्रिया ने भी सही दिया है, ट्विंकल राइट आंसर, पवित्रा का ठीक है, चलो ये भी ठीक है, राइट आंसर, राइट आंसर गिवन बाई, लेट मी नेम इट ना, रिशिता महक राइट आंसर, अमृता एस राइट आंसर, सुषमा राइट, मोनोगिरी राइट, अर्चना राइट आंसर, कृतार्थ राइट आंसर बेटा, वेरी गुड, समृद्धि राइट आंसर बेटा। मैम समृद्धि को भी निकनेम, डोरी मी या पिकाचू, डोरी मी तो किसी को दे दिया है बेटा नाम, सो पिकाचू इज द गुड वन, सो समृद्धि जस्ट चेंज योर यूजर नेम, ओके चेंज योर यूजर नेम, पिकाचू इज द वन, इज द नाइस वन, ओके। गुनीत राइट आंसर, निशा राइट आंसर बेटा, कृपाली का भी सही है, कृपाली राइट आंसर बिल्कुल मचा दिया, यो टू यू। चिंकू जी राइट आंसर, ओवर पावर्ड ग्रेट, आई लाइक ग्रीन कलर, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओके सी एच हेमंत, चैलेंज आंसर इज 0.6। रिया प्रजापति राइट आंसर, ओके वी हैव अभिषेक ऑल्सो हियर, अभिषेक यू हैव गिवन द राइट आंसर, बूम डेट, शौनक राइट आंसर, एब्सोल्यूटली यू आर राइट, अनन्या राइट आंसर, श्वेता ब्यूटिफुली रिटन राइट आंसर, अनुष्का राइट, क्या बात है सुमायरा, कॉन्ग्रेचुलेशन राइट आंसर, तनुजा राइट आंसर, हेमंत राइट आंसर, ऐश्वर्य राइट आंसर, यादव जी राइट, क्या बात है, यादव जी का ओसी रनिंग इन द चैट है ना, नाइस, ओके सो वी हैव महक ऑल्सो, सुपर डुपर कूल राइट आंसर, थैंक यू सो मच फॉर दीज आर्ट्स, शर्मा जी की बेटी राइट आंसर, लव यू टू, श्रेया माई आयरन गर्ल, बूम डेट राइट आंसर, राजा जी सिलैया वाले राइट आंसर, डोरेमोन नो बिता राइट आंसर, लेट मी सी एनी बडी हु हैव जस्ट नाउ आंसर्ड, उसका तो मिस नहीं हो गया, किस टाइम पे दिया करो आंसर है ना, ओमकर ओमकर 2 मिनट पहले आंसर लिख रहे हो है ना, ये देखो अदम्बर भी अभी दे रहा है क्यों बच्चों ऐसा क्यों, टाइम पर क्यों नहीं देते, हाँ प्रेगना राइट आंसर, शेर की दहाड़ बिल्कुल, शेर जरा जल्दी से दहाड़ना है हमको ठीक है, टाइम पर, ओमकार राइट आंसर, चलो फिर हो गया अभी आज का ये, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अवर सेशन बच्चों, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अवर सेशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी को आज हमें करना है चूर चूर ठीक है। सो मायरा मैंने पढ़ा था, दैट वॉज सो स्वीट एंड क्यूट, ओके कृपाली आई विल टेल यू, ओपी मीन्स ओवर पावर्ड जोश एंड ओसी इज यादव जीज का हैशटैग, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, यस हैप्पी इंडियन नेवी डे बच्चों, यस टुडे इज इंडियन नेवी डे, हाय आस्था, हाय राधिका, हाय श्रेयांश, चले आगे, लेट्स मूव अहेड नाउ एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस वन एक्सरसाइज टूडे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ रिविजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इन अ डाइस थ्रोन। अब मुझे जल्दी से बता दो, एक आपने डाइस थ्रो किया तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 आएगा, देखो बच्चों या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, तो मुझे बता दो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ नंबर व्हिच इज लेस देन 4, व्हिच इज नॉट लेस देन 4, नॉट इज रिटन, हाँ नॉट लेस देन 4,
एब्सोल्युटली वंडरफुल। अरे 1/3 और 1/2 दोनों ही रन कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। लेस देन 4 वो है कौन कौन से नंबर्स, लेस देन 4 हो जाएंगे हमारे पास, विच इज नॉट लेस देन 4 में आ जाएंगे हमारे पास 1, 2 और 3। ठीक है, यहां पर आपको 4 भी काउंट करना है क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 4, राइट? सो यू हैव 3 नंबर्स हियर, समझ रहे हो? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ये नहीं हवा हवाई पढ़ लिया। ठीक है, तो यहां पर आप 4 भी काउंट करोगे बेटा, सो 3/6 हो गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो आपको मिला 1/2, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। चलो ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में मचा देना। सो टुडे इज एक्सरसाइज 2B एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो भाई पहले तो हम डाइस को थ्रो करेंगे और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताने हैं। हाय सलिया विपुल राजा जी, वेलकम, आपका सुस्वागत है हमारे सेशन में राजा जी। ओपी, आई एम रेगुलर स्टूडेंट बट आई एम नेवर नेम्ड। ओके श्रेया बंसल, टेक इन योर नेम, मैंने आपका कॉमेंट ही फर्स्ट टाइम देखा बेटा। आई गेव द राइट आंसर फर्स्ट, क्या बात है निलावा, नाइस। कम ऑन, फटाफट से बता दो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर, पहले हम देख लेते हैं। 1, मैं पूछती क्या हूँ आप बताते क्या हो, ऐसे जोश में लग जाओगे ना आंसर देने में, सब आंसर देने में लगे हैं। मैंने पूछा क्या आपसे, व्हाट आर द नंबर्स यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू थ्रो अ डाइस, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे बताओ तो जरा प्राइम नंबर्स होते कौन से नंबर्स हैं, टेल मी गाइज, व्हाट डू वी मीन बाई प्राइम नंबर्स इन द चैट। हाय आस्था, लव यू टू राधिका, राधिका इज सो स्वीट। ओके योर नेम इज श्रेयश, ओके श्रेयांश, योर नेम इज श्रेयांश, ओके कूल। गाइज आई एम आस्किंग व्हाट टू बी कॉल एज द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। बिल्कुल बच्चों, वो नंबर्स जो अलोन है इस दुनिया में, जिनका कोई नहीं है, वो मतलब किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, अलग ही जोश में रहते हैं वो, ठीक है, अलग चलता है उनका, ठीक है, वो किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करते, या तो वो 1 से फ्रेंडशिप करते हैं या तो वो खुद से करते हैं, समझ रहे हो, अलग ही प्रजाति है बच्चों ये, ठीक है। वो इटसेल्फ, वो या तो खुद पे ट्रस्ट करते हैं या तो 1 पे ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दोज नंबर्स हुज फैक्टर्स आर ओनली 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद बच्चों, दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स आर दोज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, दे आर नॉट सोशल काइंड ऑफ। तो यहां पर मुझे जल्दी से बता दो, व्हाट आर द नंबर्स व्हिच यू कैन सी प्राइम नंबर्स इन द चैट, एवरीवन इन द चैट। भूमिक इज सेइंग 1, 3, 5, अच्छा जी। अच्छा बच्चों बताओ, मैं 1 को प्राइम नंबर बोल सकती हूँ क्या, प्राइम नंबर यस और नो इन द चैट बॉक्स, हैशटैग वाई कर दो अगर यस है, हैशटैग नो कर दो अगर नो है, चलो बताओ मुझे इन द चैट। यस श्वेता, राइट, ओके, मैक्सिमम ऑफ यू आर सेइंग नो एंड कहीं कहीं बीच बीच में यस भी दिख रहा है मुझे। बच्चों यस वाले बच्चों के लिए क्विकली बता देती हूँ। हाँ देखो, मेरे पास ना कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनके लिए बता देती हूँ। तो जो 1 होता है ना बेटा, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब ऐसा क्यों बेटा, 1 को हम प्राइम क्यों नहीं मानते? हाँ ये मुझे बताओ, 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर खुद 1। अच्छा तो प्राइम नंबर में भी तो मैम 1 होता है वो फैक्टर। बेटा प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ आल्सो, वो खुद भी तो होते हैं। तो 1 में क्या क्या फैक्टर हो गया, 1 और इटसेल्फ में भी तो 1 ही हुआ ना, सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1 आर ओनली 1 ही हो गया बच्चों, 1 की कहानी। ओ गॉड, इतना सारा कुछ समझाना पड़ा, है ना, समझ आया, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कैन वी से 2 इज अ प्राइम नंबर, कैन वी से 2 इज अ प्राइम नंबर, हैशटैग वाई, हैशटैग नो, कम ऑन। हाय श्रेयांश, कितनी बार
श्रेयांश आपको रिप्लाई चाहिए बेटा. ओके, यू आर नॉट श्रेयांश, यू आर श्रेयश. ठीक है, श्रेयश इज स्पैमिंग लाइक नथिंग, कॉपी पेस्ट कर रहा है वो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. टू इज द स्मॉलेस्ट, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना बच्चों, पता है ना सबको. टू हो गया, थ्री भी वो ही प्रजाति होती है बच्चों जो अलोन वाली होती है, जो एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है. और हमारा फाइव जो है वो भी प्राइम नंबर है. सो बेसिकली इन टोटल व्हेन आई थ्रो अ डाइस आई गेट थ्री प्राइम नंबर्स, आई गेट थ्री प्राइम नंबर्स, है ना, आउट ऑफ टोटल सिक्स नंबर्स, है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, थ्री बाई सिक्स, तो थ्री वन जा थ्री टू जा, सो वन बाई टू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन आई थ्रो अ डाइस. समझ आया बिल्कुल बच्चों? यस, क्विक यू इन द चैट और जस्ट क्विकली हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड दिस, कम ऑन. अनुरीत, ओके, इतना टफ नाम है. अनुरीत, टेकिंग योर नेम, रॉकस्टार राजवाला, वेरी गुड एवरीवन. चले फिर, चंगा है ना, बिल्कुल. चलो फिर आगे. ओम रुद्र, आई रिमेम्बर यू बेटा. बट आजकल ना ये सब महक की वजह से हो रहा है, महक की वजह से सब बोलते हैं मैम डू यू रिमेम्बर मी, पहचाना मैम, क्या बात हो गई. महक महक, योर डायलॉग इज गेटिंग फेमस. सो एवरीवन कम ऑन, हिट द लाइक बटन, जल्दी से लाइक का बटन ठोको. एक बार लाइक का बटन ठोकना तो बनता है, यस, और सब्सक्राइब का भी बटन ठोकना तो बनता है. एवरीवन कम ऑन. मैम आज मेंटी होगी क्या, गॉडेक्स ओपी? यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. चलो फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नंबर ग्रेटर देन फोर, अब यहां पे होगा थोड़ा झोल. देखो बच्चों, हियर वी हैव अ डाई, व्हेन आई थ्रो इट आई कैन गेट अ 1 2 3 4 5 6. सो टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, कम ऑन. Tell me the probability that I will get a number greater than 4. क्या probability है, क्या chances है बच्चों, जल्दी से बता दो. So sweet of you, Jeeva. Right answer in the chat box. देखो बच्चों, देखो. Here, die, जिसको नहीं पता die क्या होता है बच्चों, वो जो ludo खेलते हो ना आप, है ना, वो जो लूडो खेलते हो जिसमें आपके पास एक क्यूब काइंड ऑफ होता है जिसमें हर एक फेस पे कोई नंबर लिखा होता है, या तो 1 2 3 4 5 6. लूडो खेला है तो सबने देखा ही होगा वो, यू नो. तो बच्चों आपने एक डाइस थ्रो किया तो आपके पास या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, और यू कैन गेट अ 3, या तो 4 या 5 या 6. ये आपकी लक पे होता है बच्चों, की किस्मत है बच्चों की आपको 6 मिल जाए, है ना. चाहते तो सभी 6 हैं, बट बच्चों टूरू लव जिसका होता है लूडो, उसी के साथ लक काम करता है. यस yes, तो यहां पर देखो बच्चों, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 इज व्हाट, कम ऑन टेल मी. राइजा कहां थे? 5 और 6 इज द ओनली टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 4, है ना. यस और नो बच्चों, बोलो यस इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर हो चुका है. चलो जल्दी से बताओ बच्चों. यस, 5 और 6 ही वही नंबर्स हैं बच्चों जो है बच्चों 4 से बड़े. तो 5 और 6 मिला के हो गए 2 आउट ऑफ टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6. सो इसको लिखे आएंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 1s 2 3s. राइट आंसर इज 1/3. अब जिनका तो बच्चों 1/3 आ चुका है उनके लिए ये क्लैपिंग्स. चले फिर आगे, और जिनका नहीं आया है उनको कुछ देना जरूरी है क्या? चलो आगे, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कॉइन्स आर टॉस दिस टाइम. अब इस बार पता क्या कर रहे हो बच्चों आप, दो कॉइन्स है, ठीक है, आप इस बार दो कॉइन्स, वही रजनीकांत वाला स्टाइल बच्चों देखा है सबने, मूवी देखी है ना रजनीकांत वाली,
कॉइन टॉस करता है बच्चों, बिल्कुल। आप रजनीकांत से भी डबल रजनीकांत बनना चाहते हो, आपने लिए दो कॉइन, आपने टॉस किए उनको, तो जल्दी से बता दो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पर। या तो दोनों कॉइन में टेल टेल ही आ जाए, है ना, या तो दोनों ही कॉइन में आपके पास टेल या फिर हेड आए, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास एक कॉइन में हेड आ जाए, एक कॉइन में टेल आ जाए, और या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों में ही हेड हेड आ जाए। यस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 4। सो टेल मी गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, जल्दी से बता दो इन द चैट। चैट बॉक्स बच्चों, एग्जैक्टली वन हेड। यहां पर एक तो ये वाला केस है, ये देखो बच्चों, यहां पर बिल्कुल रजनीकांत टेक्निक, या तो ये वाला केस है या तो ये वाला केस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 2 आउट ऑफ। भाई गाइस, भाई नहीं बच्चों, जल्दी से बताओ, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, सो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट वन हेड व्हेन यू जस्ट टॉस टू डाइसेस टूगेदर इज 2/4, दैट इज नथिंग बट 1/2, बिल्कुल आधा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, गिव मी अ क्विक यो इफ इट्स क्लियर। यार यार, तुम सबने बच्चों ट्रूरू पकड़ लिया है ना, ट्रूरू लक। चलो आ जाओ, अपना ट्रूरू लक ट्राई करो और जल्दी से मुझे बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई हैव अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन, एग्जैक्टली वन टेल आएगा आपका, एग्जैक्टली वन टेल आएगा बच्चों, जल्दी से बता दो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ट्रू टेल टेल, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, है ना, यही है केसेस। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। एग्जैक्टली वन टेल आए, उसकी भी तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये या तो ये। सो 2/ टोटल नंबर ऑफ केसेस और आउटकम्स, दैट इज 2/4, सो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट वन टेल, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2, सो द राइट आंसर इज 1/2 बच्चों, समझ आ गया ना। तो जल्दी से एक बार लाइक का बटन ठोक दो और सब्सक्राइब का भी बटन ठोक दो, एंड यो कर दो, ओपी कर दो, आई लव मैथ्स कर दो, कुछ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स दिस टाइम। इस बार दो टेल बच्चों, टेल नहीं बच्चों, वो वाली टेल नहीं, पूछ वाली टेल नहीं बच्चों, ये टेल। चलो जल्दी से बता दो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, टू टेल्स आएंगे बच्चों इस बार, टू टेल्स, देखो पॉसिबल। यस राइट आंसर भाई, वंदना, अविनाश, चिंकू, अनुष्का, निर्मला शर्मा जी की बेटी, यो ही कर रहे हैं अभी। सीए छे मंथ, चेक योर आंसर एक बार और देखो। आदित्य नहीं, कृतार्थ राइट। चलो आज देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ बच्चे 2/3 लिख रहे हैं, 2/4 लिख रहे हैं, देखो भाई देखो, आराम से थांबा, जिनका गलत आ रहा है उनके लिए एक बार फिर से लिखते हैं। पॉसिबिलिटीज व्हेन आई टॉस टू कॉइंस टुगेदर, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, है ना भाई, यही पॉसिबिलिटीज हैं। यस और नो, मुझे देख के बताओ, दो टेल दोनों बार, मैंने जब दो कॉइन टॉस किए बच्चों रजनीकांत स्टाइल में, यस बच्चों दोनों कॉइन टॉस किए मैंने, और दोनों कॉइन में मैंने देखा टेल टेल आ गया, ऐसा कब हो रहा है, ऐसा कितनी बार हो सकता है, ओनली वन टाइम, ओके, आउट ऑफ टोटल 4 times, तो हो गई ना उसकी प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट टू टेल्स इज 1/4। यस, आस्क मी एनीथिंग, लर्न फ्रॉम मी, गूगल, लव यू अपर्णा मैम, लव यू टू गूगल, आपका नाम गूगल, दैट इज अ नाइस नेम मैम, ऑल्सो पुट माई निक नेम, श्रेया को भी निक नेम चाहिए, श्रेया गिव मी सम हिंट ना।
ट्रू लव, यस अविनाश, एब्सोल्युटली प्रोबेबिलिटी से ट्रू लव होना चाहिए बच्चों, यस 1/4 राइट आंसर, एवरीवन राइट आंसर, वेल डन। चलो आगे चलो फिर लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। सो वी हैव द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट दैट यू आर गेटिंग टू हेड्स टुगेदर। जैसे बच्चों यहां पर ऐसा हुआ था ना कि दो बार टेल एक ही प्रोबेबिलिटी थी, वैसे ही दो बार हेड एक ही चांस है। सो अगेन द प्रोबेबिलिटी टू गेट टू हेड्स एट अ टाइम इज 1/4। एग्रीड? तो जल्दी से यो कर दो और लाइक का बटन ठोक दो एग्रीड हो तो, इफ यू एग्री विद दिस। गौरव हंटर टेकन योर नेम, बाय द वे व्हाई योर नेम इज हंटर, क्या हंट करते हो भाई? पायरेट्स तो बड़े प्यारे प्यारे हंटर्स हैं जो क्वेश्चंस को हंट करते हैं, आप क्या हंट करते हो? मैम मुझे भी निकनेम फनी नेम लिंक पिंगी पिंगू जेरी समथिंग लाइक दैट। ओके ट्वेशा रोल नंबर 33, आपका नेम लिख देती हूँ पिंगू, हाउज इट, आई होप यू लाइक इट। हे मैम सीबीएसई वाला न्यूटन इज हियर, बाय द वे व्हाट इज दिस लोचा ऑफ टुरु लक? यार बच्चों टुरु लक बोला था मैंने, अब यार टुरु लक बना रहे हैं उसका, मैं क्या करूं? मैं भी हंटर हूं। ठीक है बच्चों बिल्कुल, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। एंड बिफोर वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इफ यू वॉन्ट टू स्कोर हाइएस्ट मार्क्स, दैट मीन्स 100% मार्क्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू अटेन 100% नॉलेज एट द सेम टाइम। बच्चों आपको चाहिए 100% नॉलेज 100% मार्क्स, ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे एट वेदांतूस क्लासेस, लाइव क्लासेस। इन दिस यू विल गिव लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस विद फन एंड हाई लेवल ऑफ क्विजेस अलोंग विद योर फेवरेट मास्टर टीचर्स ऑफ कोर्स, एंड यू विल बी एबल टू कम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑल्सो यू वुड बी एबल टू जस्ट प्ले द क्विजेस व्हेन यू वॉच रीप्लेस, and you would be able to see your name on the leaderboard too, ठीक है? That is only possible at Vedantu's platform, okay? तो आपको मिलता है बच्चों content, the notes of handwritten teachers, ठीक है? आपके master teachers के notes आपको मिल जाएंगे। Instant doubt solving will be there, plus you will get test and assignment, plus 5000 plus micro courses और crash courses में से कुछ ज़्यादा ही आप चूज कर सकते हो। इट्स अप टू योर कैपेसिटी, मतलब आपके अंदर कितना बल है, कितनी विल पावर है पढ़ने की, आप कितना पढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आपको वन मंथ में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ठीक है? तो इट्स अप टू यू हाउ मच यू गाइस कैन लर्न, ठीक है बच्चों? तो बच्चों एट वेदांतु यू पे लेस एंड गेट मोर, हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। सो बिफोर दैट जस्ट सी द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट द प्रो सब्सक्रिप्शन एंड यूज माई कोड 80 प्रो, दैट इज 20% डिस्काउंट, यू विल एब्सोल्युटली गेट इट। तो जाओ बिल्कुल, यू विल नॉट रिग्रेट, एब्सोल्युटली यू विल लव द वेदांतुस क्लासेस। व्हेन यू अप्लाई माई कोड यू विल गेट 1 month सब्सक्रिप्शन फॉर 2159 और 3 months का प्लान आपको मिल जाएगा 5599, ठीक है? 3 महीने का, और पर क्लास की कॉस्ट हो जाती है 11 रुपए की जब आप 1 month का प्लान लेते हो, और 9 रुपए की पर क्लास कॉस्ट पड़ जाती है जब आप लेते हो 3 months का प्लान। अब भाई 9 रुपए में यार आपको वेदांतु की अमेजिंग क्लास मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, डाउट सॉल्विंग मिल रही है, क्या चाहिए आपको? मतलब जान लोगे बच्चे की? यस, एक दिन लेस नहीं खाओगे कुछ हो जाएगा आपको, है ना? लेस तो कुर्बान कर ही सकते हैं बच्चों पढ़ाई के लिए, यस। तो एक दिन लेस नहीं खाएंगे और पढ़ाई करेंगे, यस बच्चों। सो गो ऑन टू द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट दिस प्रो सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु। बी अ प्रो सब्सक्राइबर ऑफ वेदांतु बाय टेकिंग द कोर्स एंड यू विल गेट 20% इंस्टेंट डिस्काउंट व्हेन यू यूज माय कोड 80 प्रो। सो बच्चों टेलीग्राम पे हम बिल्कुल एब्सोल्युटली अवेलेबल है, आई एम अवेलेबल देयर। कैप्टन जो आपने मुझे नाम दिया है, कैप्टन अपर्णा इज माई नेम इन टेलीग्राम। कोई भी डाउट होता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जस्ट याद कर लेना कैप्टन को, कैप्टन इज ऑलवेज देयर। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन नंबर। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कितना ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों। हाय केशव, हाय कीर्ति, मैम आई नो कैलकुलस, बहुत अच्छी बात है।
क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। जिनको 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 समझ नहीं आ रहा उनके लिए एक बार जल्दी से बता दूं, सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना बच्चों, लूडो खेलने बैठते हैं, ठीक है। मेरा एक कजन ब्रदर है बच्चों, व्हेन वी प्ले लूडो है ना टुगेदर, व्हेन वी ऑल कजन सेट टुगेदर एंड प्ले लूडो, वो हमेशा चीटिंग करता है। वो बोलता है मैं दोबारा से फेंकूंगा डाइस। क्यों भाई, तुम स्पेशल हो, तुम कोई हूर के पारे हो बच्चों? नहीं ना। तो बच्चों वो वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे जो चीटिंग करते हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू प्ले इट ट्रूली ट्रूली बच्चों, यस। तो यहां पर आपको सिंगल थ्रो मिलेगा, सिंगल थ्रो मिलेगा तो क्या हो सकते हैं चांसेस, क्या हो सकते हैं आउटकम्स? या तो आपके थ्रो में आएगा 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या फिर 6। सो टेल मी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल एंड अप एट एन इवन नंबर। सो टेल मी व्हिच आर द नंबर्स यू कैन फाइंड हियर व्हिच आर इवन। तो इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, सो दैट इज 2, 4 एंड 6। तो भाई टोटल नंबर हो गए इवन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर हो गई 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है। अब आया 1/3 वालों, ऐश्वर्या समझ आया? एवरीवन इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर नाउ? चलो चलो, हाय नोबिता, यू आर वेरी लेट बेटा, कोई बात नहीं। ओके पराग, कम टू मी इन टेलीग्राम, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। ठीक है चलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऑड नंबर है तो भाई ऑड नंबर भी तो आपके पास 3 ही हुए ना, ऑड नंबर भी 3, 1, 3 और 5, तो भाई 1/2, 3/6। अब इट विल नॉट बी एन इवन नंबर, मतलब इवन नंबर नहीं होगा तो ऑड नंबर ही तो होगा, दैट विल बी 1/2। चलो फिर आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन अ सिंगल थ्रू ऑफ अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। ये आईसीसी वाले इतना डाई वाले क्वेश्चंस के पीछे क्यों पड़े होते हैं बच्चों? चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू दिस नाउ। एक बार आपने एक डाइस को थ्रो किया बच्चों, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट 8, दैट यू विल गेट 8? ईश्वर बोल रहे 1/2। क्या हाल है मैम, आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ। जीरो, वो डाइस से बहुत खेलते हैं। अच्छा ठीक है, इम्पॉसिबल, अंशुमन बोला इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल तो मतलब इम्पॉसिबल, न्यूटन ने बोल दिया इम्पॉसिबल बच्चों, राइट? एब्सोल्युटली विभा, राइट आंसर, बिल्कुल। यार आपके पास एक डाई है और आप उसमें से 8 ले आओगे, ये कौन सा डाइस बन गया मतलब बच्चों, ये कौन सा डाइस बन गया? ऐसा तो मतलब दुनिया में बना ही नहीं है। सो दैट इज जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। अब ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 बच्चों, ग्रेटर देन 8 बच्चों, जल्दी से बता दो इन द चैट। अगेन जीरो, ठीक है, मतलब 8 तो छोड़ो, ग्रेटर देन 8 कैसे भैया, कौन सी दुनिया में? यस अब ये क्वेश्चन बताओ, अ नंबर लेस देन 8, अ नंबर लेस देन 8, नाउ आई वॉन्ट टू सी द आंसर। A number less than 8. मैम दुविधा, दुविधा में फंस गए बच्चे, अब क्या करें मैम, अब क्या करें, है ना बच्चों? A number less than 8, एक नंबर जो कि लेस देन 8 होगा तो वो हो जाते हैं बच्चों 6 के 6, दैट इज 6/6/6, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 6/6 दैट इज इक्वल टू 1, समझ में आया? लेस देन 8 डस नॉट मीन कि इसमें आप 7 और 8 को भी काउंट करो, लेस देन 8 में आपके कोई भी नंबर लेस देन 8 आएंगे ही आएंगे, तो दैट इज 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जल्दी से बता दो इन द चैट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कम ऑन, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, जल्दी से बता दो, मैं यहां लिखती हूँ। ओके आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर, 2/7 हो सकता है क्या, यस और नो?
हैशटैग वाई लिख दो इफ इट इज पॉसिबल, हैशटैग नो लिख दो इफ इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, ऐसा चलते हैं। चलो 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 चलो, हैशटैग वाई, हैशटैग एन। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक काम करो, आप डिवाइड कर लो 7 को 2 से, आपको क्या मिलेगा, 0.2 समथिंग, है ना बच्चों, ऐसे करके 0.285 ऐसे कुछ करके मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 0 to 1। ये 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती है, 0 से छोटी भी नहीं हो सकती, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन गो बियॉन्ड 1। सो एब्सोल्यूटली 2/7 इज पॉसिबल बिकॉज इट इज कमिंग 0.2 समथिंग, सो इट इज एब्सोल्यूटली यस, टिक मार्क कर देते हैं। अब मुझे बताओ भाई, सेकेंड पॉइंटर 3.8 इज हैशटैग वाई और हैशटैग एन। क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है ना, कंफ्यूज होते हुए, है ना। देखो बच्चों, इधर वापस आ जाओ, मैंने बताया आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो यहां पे आपको बोला है 3.8 विच इज बियॉन्ड 1, मतलब 3 आ गया, मतलब 1, सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये 1 यस था, ये नो है, अब समझ में आया। चलो आप बताओ थर्ड पार्ट, 37%, 37/100। अब मुझे बताओ, इज इट गोइंग टू बी बिटवीन 0 to 1, हैशटैग यस, हैशटैग नो। बच्चों, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूटली बिटवीन, इट इज एब्सोल्यूटली बिटवीन 0.37, इट इज एब्सोल्यूटली बिटवीन 0 and 1। तो ये हो गया यस, इट इज पॉसिबल। अब ये भाई माइनस का, नेगेटिव का नंबर है बच्चों, ये तो थोड़ा खतरनाक है, 0.8, इज इट पॉसिबल, यस और नो, जल्दी से बता दो। गाइस, तुमने तो टुरू लक को ऐसा मतलब पकड़ के रखा हुआ है। बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अब भाई, नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर देन 0, 0 से नीचे वाले नंबर्स आते हैं नेगेटिव नंबर्स, यस, 0 से जो छोटे नंबर होते हैं उनको आप बोलते हो नेगेटिव नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो ये तो भाई इम्पॉसिबल केस हो गया ना, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब 0.8 एब्सोल्युटली यस, ये एब्सोल्युटली नो, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर। अब 7/8 बताओ बच्चों, 7/8 बताओ, 7/8 इन द चैट बॉक्स। Absolutely yes, because it is going to come between 0.8 something. तो ये 0.8 lies between 0 and 1. So yes, ठीक है जी, समझ आ गया। Let's move ahead towards our next question. देखो, एक बैग है बच्चों, a bag contains 6 identical black balls. एक बैग लिया है बच्चों, कितना गंदा बैग बनाए, कुछ और अच्छा से बनाते। कैप्टन को माफी देना बच्चों, बिकॉज कैप्टन इज रियली बैड इन ड्रॉइंग। ठीक है, कुछ अच्छा सा ट्राई करते बनाने की, थोड़ी मुआफी। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। सो एक बैग है बच्चों जिसमें 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वो सारी की सारी ब्लैक कलर की हैं बच्चों, दे ऑल आर ऑफ ब्लैक कलर्स। So tell me the question's answer. Yes, बच्चों, ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप
बताओ जरा प्रोबेबिलिटी कि आपने ब्लाइंडेडली मतलब आंखों में पट्टी बांध के निकाला एक बॉल उस बैग में से, तो मुझे बताओ आपको व्हाइट बॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी? जल्दी से बताओ, कम ऑन। राधिका वॉन्ट्स अ निकनेम, राधिका हेल्प मी इन दिस देन। टेल मी टेल मी टेल मी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल ड्रॉ अ व्हाइट बॉल? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? डाली ही नहीं है। जब है ही नहीं वो चीज, तो कैसे मिल जाएगी बच्चों? जैसे आपके सॉक्स स्कूल जाने के टाइम पे आपके रैक में होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल से आके इधर उधर डाल देते थे। सो दैट इज इम्पॉसिबल केस, है ना? यस, सो दैट इज जीरो बच्चों, जीरो। अब बता दो एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक ही ब्लैक बॉल्स हैं, तो 1/6। इजन दैट ट्रू बच्चों? इजन दैट ट्रू? यस, इजन दैट ट्रू और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? सो इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, सो क्विकली हिट दैट लाइक बटन। वेट किसका करते हो बच्चों? कि कैप्टन आपको बोले कि मेरा दिल गार्डन गार्डन करो बच्चों? एवरीवन, मेरा गार्डन करने का दिल नहीं कर रहा आपको? दिल कितना प्यारा दिल है कैप्टन का। एवरीवन जस्ट गिव मी अ लाइक बटन, कम ऑन एवरीवन, जस्ट हिट दैट लाइक बटन नाउ। एम आई अविशी श्रीवास्तव, गिव मी अ निक नेम। मैम आप मेरा भी कोई निक नेम रख दो। आई एम कीर्ति, आई डू योर गार्डन गार्डन। यार कितने क्यूट हो आप सब। ये होता है बच्चों, जब इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे आते हैं, हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे जब एक साथ मिलते हैं, तब ये होता है आई डू दिल गार्डन गार्डन। एब्सोल्युटली लव यू गाइस। मैम स्कूल की यादें ताजा कर दी। चलो बच्चों ऐसे ही ताजा करते रहेंगे। एक और ताजा करने के लिए एक क्वेश्चन आ गया है। अ बुक कंटेन्स 92 पेजेस। कितनी बढ़िया बुक है, 92 पेजेस बस। सो अ बुक हैज ओनली 92 पेजेस। अ बुक इज द पेजेस चूजन रैंडम, मतलब मम्मी ने कहा पढ़ने के लिए, तो आपने बुक उठाई और कोई भी पेज खोल दिया बच्चों, कोई भी पेज खोल लिया, कोई भी पेज खोला। तो मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डिजिट्स इन द पेज नंबर इज 9? ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द पेज नंबर इज 9। वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, व्हाट अ ब्यूटी क्वेश्चन। इंग्लिश? यस बच्चों यस। सो जल्दी से बता दो ऐसे कौन कौन से पेज नंबर्स होंगे जहां पर आपको 9 मिलेगा ही मिलेगा। ना 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 पिकाचू, गलत हो गया बेटा, गॉट इट रॉन्ग। 10 प्रोबेबिलिटी 9 का टेबल। एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली। मैम यूट्यूब को बोलो कि लाइक की जगह हार्ट कर दे, फिर कैप्टन का दिल भी हार्ट। ओ हो, अच्छा जी। मतलब कैप्टन यूट्यूब, मतलब फ्रेंडशिप हो रखी है हमारी, है ना? मैं यूट्यूब को यू बोलूंगी और वो यू चेंज कर देंगे अपने फीचर्स, है ना? सौरभ राइट आंसर बेटा, वेरी गुड। मैम टुडे आई एम टेकिंग शपथ दैट आई एम अ टूरू पायरेट। मैम आप मेरे को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। क्या बात कर दी अंशुमन को कोई? मैम लिटिल बिट कंफ्यूज, आई नो द क्वेश्चन इज क्वाइट ब्यूटिफुल। ये देखो आपको आंसर यहाँ पर मिल रहा है। सो बच्चों आपके पास यहाँ 9 की टेबल आती है कि नहीं? सबको 9 की टेबल आती है ना? एवरीवन एवरीवन नोज 9 टेबल। ओमकार ने पहले बता दिया था, सबने ओमकार को इग्नोर किया। ओमकार का आंसर देख लेते तो आपको आंसर मिल जाता। सबको पता है बच्चों, यहाँ पर सभी के सभी को पता है 9 की टेबल क्या होती है। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। सो टोटल टोटल पेजेस इन विच द सम ऑफ द पेजेस 9, दैट इज 10 अपॉन 92, दैट इज टोटल। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 5 10, 2 46। खत्म हो गया क्वेश्चन, दैट इज इट, बिल्कुल खलास। एवरी वन आई होप इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गिव मी अ क्विक यो। जय शंकर ने हाँ बिल्कुल बोला था, यस 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 यस। जय ने बोला था आई नो मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर, बट ओमकार ने ना आंसर परफेक्टली लिख दिया था और उसको सबने इग्नोर कर दिया। मैम
मैं तो उसको हार्ट समझ के ही लाइक करती हूँ. सो स्वीट ऑफ यू सुमायरा. बिल्कुल बच्चों, आप लाइक करते हो और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है. मैम यू आर लेफ्टी. यस राजा जी. ओके राजा जी, व्हाई हैवंट यू चेंज योर यूजर नेम? अपना यूजर नेम चेंज करो बेटा, यूजर नेम चेंज कर दो. सलैया पीपल रॉक. सलैया पीपल की अलग ही फैन फॉलोइंग है. हाउस अ क्यूटी. क्यूटी बच्चों, एक बच्चे ने नाम ले रखा है तो कुछ और. माई नेम इज टुक टुक. क्या बात है, अमेजिंग. राइट 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 राधिका, यही रख लो, क्यूट नेम है. बट एक बात है बच्चे, यूजर नेम में रख लो, तभी मुझे याद रहते हैं फिर निक नेम्स. ठीक है, यूजर नेम चेंज करके टुक टुक कर लेना. मेरा ए आ रहा है टुरू. ठीक है श्वेता, ठीक है. कॉल मी नील. ओके निलावा, चेंज योर यूजर नेम यू टू. चलो बच्चों, अब मेंटी जी को बुला लेते हैं. एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन, बस एक और. टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड मतलब देखो, यहां पर दो कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, है ना, यही पॉसिबिलिटीज है. तो बताओ एटलीस्ट वन हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड. एवरीवन क्विकली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बताओ. एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो आए ही आए भाई. बिल्कुल बच्चों, एटलीस्ट मतलब एक या तो एक से ज्यादा, एक दो तीन, सो थ्री बाय फोर, ये हो गया इसका आंसर. और मुझे बताओ बोथ हेड्स और बोथ टेल, या तो दोनों में, दोनों में, दोनों में टेल ही आए, दोनों में हेड आए, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है दो केसेस में. सो टू बाई फोर, सो वन बाई टू. समझ आ गया, वन बाई टू, समझ आया या नहीं? यस बच्चों. हेलो कशिश, यस एवरीवन, यो कर दो यार. हाय प्रिया, I don't know Samaira about it. I have no idea. Nandini, hi hi to you, beta. Hi Vaishnavi, how are you? Hi Pratyush, CH Hemant, give me some hints, beta. Saurabh, Bihar ke Lala. Nice name. तो आपका नाम लाला. चलो, I am going to start the sessions, Menti ji. चले मेंटी जी के पास. मेंटी जी फुल ऑन रेडी है बच्चों स्वैग से स्वागत करने के लिए. ठीक है, बहुत ही डेक ऑफ कार्ड्स के लिए अनुष्का. अनुष्का सुनो, अनुष्का के लिए, अनुष्का ने जो बोला है डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड ट्रिविया हमने करी है बच्चा. वी हैव डन अ कार्ड ट्रिविया. ट्रिविया सीरीज का फर्स्ट सेशन था, उसको जाके वॉच करो, उसको देखो जाके. उसमें आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन, सब कुछ समझ आ जाएगा अबाउट कार्ड्स. एवरीथिंग विल बी क्लियर. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर. चले फिर. सो गाइज क्विकली आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू अबाउट वेदांतु सब्सक्रिप्शन. इफ यू वॉन्ट टू टेक वेदांतुज लाइव क्लासेस, वॉन्ट टू लर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर्स, वॉन्ट टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, सो गो फॉर 3 months प्लान. बच्चों 3 महीने बचे हैं, मचा देना 3 महीनों में, तो आग लगा देना 3 महीनों में. एंड यू विल गेट इट फॉर 5599 इफ यू यूज माई कोड 80 प्रो. ठीक है, तो जल्दी से जाओ और एक दिन लेस का पैकेट मत खाना. समझ लेना आपने वेदांतों पे क्लासेस ली हैं. नाउ दिस इज मेंटी टाइम. आ जाओ बच्चों, एवरीवन एवरीवन जस्ट कम ऑन टू मेंटी. मेंटी जी को एक्टिवेट कर देते हैं. हाय गुनीत, माई निक नेम इज रेनबो प्रिंसेस. ठीक है, ओके सोनाली. ग्रीन हार्ट, सो स्वीट सौरभ. चले आ जाए मेंटी जी के पास. आ जाओ बच्चों एवरीवन. आज होगा बच्चों महायुद्ध बिटवीन सीबीएसई एंड आईसीएसई पीपल. लेट्स सी हूज गोना विन टुडे, लेट्स सी हूज गोना विन टुडे. क्या लग रहा है बच्चों, कौन जीतेगा?
हाय शहीश्ता। श्वेता नाम ही टूरू लग रही है यार। हाय पीयू, हाय तुषार, हाय कीर्ति, हाय अनिता। तुषार टेक इन योर नेम बेटा। मैम देर आर टू महक्स। यस बेटा देर आर, आई थिंक देर आर थ्री महक्स बेटा। हाय यश, हाय यूनिक रॉय। खुशल आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, बैडली की तो दूर की बात है। आज मेंटी का मूड नहीं है? नहीं यार, मेंटी जी फुल ऑन रेडी हो के आए हैं मेकअप एंड ऑल करके। ऐसे बोलोगे तो मेंटी का दिल टूट जाएगा। देखो कितना सारा मेकअप किया है आज, आई शेडो एंड ऑल सब लगा के आए हैं वो। एवरी वन, सो द क्वेश्चन इज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देख रहे हो? देखो नाइस टू सी दिस यार, सो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड। 8 आ चुका है यहाँ पर। मेरा मन, ओके ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग। बेसिकली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में बच्चों। अगर ये आ सकता है तो फिर हमें तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो मान लो आपके पास 3 कॉइन्स हैं और आप रजनीकांत के भी रजनीकांत बनना चाहते हो। यू आर टॉसिंग द 3 कॉइन्स ऑल टुगेदर, तो क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आउटकम्स हैं? तो जल्दी से देखते हैं। या तो तीनों में हेड हेड आ जाए, या दो में हेड और एक में टेल आ जाए। यस, जल्दी से लिखते जाओ यस मैम, और आउटकम्स लिखते जाओ इन द चैट बॉक्स। या तो आ जाएगा हेड टेल हेड, एग्रीड, या तो आ जाएगा बच्चों टेल टेल और टेल। यस बच्चों, यस, या तो आ जाएगा टेल हेड हेड। यस बच्चों, या तो आ जाएगा टेल टेल हेड। लिखते जाओ बच्चों, आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दिस। ये बच्चे भूल जाते हैं बच्चों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू जस्ट राइट इट डाउन। या तो आ जाए आपका बच्चों हेड टेल टेल, या तो आ जाए टेल हेड टेल। यही है बच्चों टोटल आउटकम्स व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर। कूल, ठीक है? ब्लैक नहीं दिख रहा है, नॉट एट ऑल विजिबल, लिखना पड़ेगा व्हाइट से। ठीक है, लिख देती हूँ व्हाइट से। ओके तो यहां पर लिख देती हूँ हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड टेल। दीज आर दी ओनली आउटकम्स बच्चों व्हेन यू टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर। अब आप चलते हैं मेंटी जी के पास, ठीक है? लेट्स गो टू मेंटी जी के पास हियर, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 विच विल कम अप। पहले भाई मेंटी जी आपको बुलाएंगे, थोड़ा बिठाएंगे सोफे पे। यस, स्वागत से स्वागत करते हैं बिल्कुल मेंटी जी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन माई स्क्रीन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, वेन यू टॉस 3 कॉइन्स, सो टेल मी द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ऑल द हेड्स वेन यू जस्ट टॉस 3 कॉइन्स। थैंक यू सो मच तुषार, मीन्स अ लॉट बेटा। मैम अटेंडेंस लगा दो। तिवारी जी नहीं, आज तो एबसेंट मार्क दो आप। येलो, ठीक है राजेश, येलो ले लेंगे अभी से। राइट आंसर खुशल, राइट आंसर राइजर, नॉट ए, नॉट एट ऑल। देखो बेटा क्या कर रहे हो, आपके पास पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि तीनों में ही हेड आए, ऑल द 3 हैव हेड्स, तो वो तो बेटा 1/8 हुआ ना। टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8, तो 1/8। क्या करते हो बच्चों, क्यों ऐसा क्यों किया? हाँ
अब अगले क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेट्स गो टू मेंटी जी एंड लेट्स सी द लीडर बोर्ड फॉर दिस क्वेश्चन नाउ. ओनली 39 पीपल गेव द राइट आंसर. इतना समझाया था. लेट मी शो यू द लीडर बोर्ड. राइजा, सो क्विकली जस्ट पुट डाउन योर नेम्स हियर इन द मेंटी. सो वी हैव ओंकार एंड जय. लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर टू. जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट योर नेम्स इन मेंटी. सो एवरी वन टिल नाउ, टिल देन यू ऑल जस्ट हिट द लाइक बटन इफ यू हैवन्ट डन इट येट. जल्दी से लाइक का बटन ठोक दो गाइज एवरी वन. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल मैथ्स पायरेट्स, बिकॉज इन दिस चैनल ओनली यू गेट योर कैप्टन, योर लव ऑफ मैथ्स एंड आई क्यू सीरीज एंड योर चॉइस सीरीज. आप जो चूज करते हो, सो एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट वन स्टॉप सोल्यूशन. सब्सक्रिप्शन इज फ्री ऑफ कोर्स. So why aren't you pressing the bell icon and the subscribe button? Do that now. Question number 2 now. Shreya, it's long beta. Shahir to bada ho jayega. 3 identical coins are tossed together again. Tell me the probability that you will get exactly 2 heads. Exactly 2 heads you will be getting bato. दो हेड एग्जैक्टली दो हेड कब मिल रहे हैं आपको? ये देखो, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, बस यही है. तो टेल मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गिवन बाय मोस्ट ऑफ यू, बट ये जो गलत करने वाले इनका क्या किया जाए? हाँ बच्चों, अभी मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दिए थे. Only 3 are the possible cases when you are getting 2 heads. When you are getting 2 heads, bacho. Kya ho gaya bacho? Samajh nahi aaya? Ek baar samjhana hai kya? 2 head aane chahiye bacho. Aise keval 3 hi cases hain. Aise keval 3 hi cases hain. To inki probability kya ho gayi? 3 by 8. Theek hai? Question galat pada. ओफो, फिर गलत क्वेश्चन का आंसर भी दिया. कूल सप्तजीत द विनर लॉल लेजेंड. अच्छा, लॉल का मतलब क्या है यहां पर? लॉट्स ऑफ लव भी होता है, लॉट्स ऑफ लॉफ्टर भी होता है. तो आप क्या यूज कर रहे हो? आई डू योर गार्डन गार्डन दिल निल. दिल दिल लिख रहा था वो. सो हूज दिस? निलावा. जय लव्स ऑल सब्जेक्ट. वेदिका ओपी न्यूटन विल बीट ऑल आईसीएसई. क्या बात है. ओ अपा, ये मेरे नाम से कौन आ रहा है बच्चों? क्या बात है, क्या बात है. अल्लाह की स्वैग है मेरे पायरेट्स में. मेरे नाम से खेल रहे हो मेंटी. आरुषि द नोबिता फॉलोड बाय दिशा मौर्या. सीबीएसई विल रॉक. लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेयस शेरू. ठीक है अंकित. 3 आइडेंटिकल क्वाइंस आर टॉस टुगेदर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड? एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? एग्जैक्टली 1 हेड. आपके सामने मैंने आउटकम्स रख दिए हैं. अब तो गलत नहीं होना चाहिए. क्यों बच्चों, क्यों? हाँ एग्जैक्टली 3 बच्चों. 3 by 8 इज द राइट आंसर. चलो अभी चलते हैं. लेट्स सी द लीडर बोर्ड. सोनी इज प्लेइंग विद माय नेम. ओके, सो लॉल लेजेंड न्यूटन जय अपर्णा, मतलब अपना नाम खुद ही लेना पड़ रहा है. आरुषि द नोबिता विदुषी विभा कृत प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट महक इज बैक ऑन द लीडर बोर्ड फॉलोड बाई प्रत्युष. मेंटी जी की बेस्ट फ्रेंड आए ना लीडर बोर्ड पे, ऐसा हो ही नहीं सकता. मतलब बच्चों, मैंने बोला था मेरा नाम रोशन करना है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला था कि अपना नाम हटा के मेरा नाम रोशन करना. मतलब मेरे आप हिंट्स ले नहीं पाते. काउंट डाउन क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन दिशा. यस,
So rock in this question, guys. Again, you have to tell me what is the probability that you will get no head. कोई हेड आई ना तीनों कॉइन्स में, कोई हेड आए ही ना बच्चों. कम ऑन एवरीवन. अंकित सुधर जा. राइट आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली गिवन बाय मैक्सिमम ऑफ यू. वेरी गुड वेरी गुड. लेट मी शो यू द लीडर बोर्ड फॉर दिस क्वेश्चन. नाइस नेम श्रेया. शेरू इज अ नाइस वन. सो वी हैव लेजेंड ऑन द टॉप. बच्चों की नहीं बेटा, आपको पार्टी देनी पड़ेगी. टेलीग्राम में नहीं हूं तो क्या हुआ. फॉलोड बाय न्यूटन, जय, आरुषि, अपर्णा, फॉलोड बाय विदुषी, विभा, प्रत्यूष, प्रोबेबिलिटी एक्सपर्ट, फॉलोड बाय कृत. लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. और इसमें तो आग लगानी है बच्चों. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. रॉक इन दिस क्वेश्चन पार्टी. यस बिल्कुल गाइज, यू गाइज आर नॉट इवन लाइकिंग द सेशन. मेरा दिल कैसे गार्डन होगा. अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पेंसिल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ कॉन्सोनेंट. Such a easy peasy question, guys. Yes, very beautiful question. Anushka also wants a nickname. Anushka, I want hint. Come on. 20 seconds are left. So here in pencil, you have 6 letters. So tell me how many consonants are there? जो vowels नहीं है, जो P हो गया, N हो गया, C हो गया, L हो गया. तो इतना easy तो है बच्चों. ये 5/6 वाला कौन है? तुषार क्या हो गया बेटा? सब ठीक है. 5/8 समीर कहां से बेटा? 8 तो लेटर्स ही नहीं है. बेटा पेन सिल ये नहीं पता था मुझे, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. पी इज अ कॉन्सोनेंट है ना बच्चों. ई इज अ वोवेल. वोवेल्स क्या होते बच्चों? ए. I never ever thought I'm going to take a English class. A E I O U बच्चों ये होते हैं आपके vowels. Yes, तो यहाँ पर E is a vowel, N is the consonant, C is the consonant, I is again a vowel and L is what? L क्या है बच्चों? Consonant. तो यहाँ पर कितने consonant हो गए? 4/6. So 2/3. क्या करते हो बच्चों? Let's see the final leaderboard now. गलती से mistake हो गया. कोई बात नहीं तुषार. LOL legend, I think you are not on the first rank. नहीं नहीं, LOL legend, you are the winner. Well done. Party तो बनती बच्चों. Newton followed by Jay, Vibha, Vidushi, Pratyush, Omkar. High five to you. We have Shiona. High five, ma'am. We have probability. Mehak. I do your garden garden dil. You are also on the leaderboard. Well done bacho. Very good, very good. I hope everyone enjoyed the session and understood everything what we have done today. Ab aaj ka challenge le lo. This is the challenge of the day. I am giving you this challenge bacho. How many of you are accepting my challenge and ready to boom and rock in this challenge question? Come on. Come on, जल्दी से बताओ बच्चों. I'm waiting. Innovative outlet Raisa से पूछ रहा है, do you remember me? Nice. चलो फिर, you all have to give the answer in the comment section. आज के आज ही comment section में कर देना answer. 2:30 को हमारा कल फिर से session होगा, उसके पहले कर देना बूम. ठीक है बच्चों. एंड आई एम ऑन टेलीग्राम, तो कोई भी डाउट होता है तो वहां पर आके मुझे मिल लेना. ठीक है. सो लेट्स एंड द सेशन नाउ. ठीक है बच्चों, गिव इट अ थम्स अप. एक लाइक तो बनता है बच्चों, एक लाइक तो बनता है. एंड शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स. इस जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो. क्यों? क्योंकि कैप्टन का दिल गार्डन गार्डन होता है बच्चों. यस ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द सेशन.
एंड विल सी यू टुमारो एट द रेट 2:30 PM. गुड नाइट गाइज, बाय बाय, विल सी यू सून.